हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ दोबारा से। आई थॉट कि ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। पहले भी हम लोग जितनी भी राइड्स हम लोग करते थे वो सारी राइड हम लोग कवर करते थे अपने चैनल में। सो मैंने थोड़ा उस सिलसिले को दोबारा से शुरू किया जाए। गाइस, सबसे पहली चीज़ जो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये राइड बेसिकली हमारी है लैंसडाउन के लिए। लैंसडाउन में हम लोग कुछ लोकेशंस कवर करने वाले हैं, बेसिकली मेन जो भी लोकेशंस हैं, जैसे भूला लेक है, भूला ताल लेक बोलते हैं उसको। उसके बाद एक संग्रहालय है, आई गेस मिलिट्री का कुछ 1980s के टाइम का कुछ एस्टेब्लिशमेंट है, बहुत पुराना। और उसके बाद हम लोग टिपटॉप पॉइंट जाएंगे, स्नो पॉइंट जाएंगे, और हमारा स्टे है कॉर्बेट हिल रिजॉर्ट पे, वो भी बेसिकली हिल टॉप पे है। सो बहुत मज़ा आने वाला है उसमें भी। सो अभी बेसिकली मैं लैंसडाउन से तकरीबन 18-20 किलोमीटर पहले ही एक छोटा सा मतलब यहाँ पे स्लोप था, यहाँ से हम लोग नीचे आ गए और वो पीछे हमारी बाइक्स खड़ी हैं सारी की सारी। और इज कंप्लेनिंग यू नो कि अकेले आए हुए हैं। सो ये पीछे बीच में थोड़ा सा एक बीच में स्लोप आया था, डाउन स्लोप, इसमें हम लोग नीचे उतर के और थोड़ा मस्ती करने के लिए रुके हैं। अब हम लोग होटल जाएंगे, वहाँ से अपना थोड़ा बहुत रेस्ट करके और लंच करके उसके बाद हम लोग डायरेक्टली अपना जो जो सीक्वेंस हमारा सेट है इज व्हाट्स अप, एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे अपने जो भी हमारी डेस्टिनेशन सेट है। सो फर्स्ट स्टॉप के बाद हम लोग अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे आ गए और ये है आपकी भूला ताल। एक बार जरा देखिए कैसा जगह है। वहाँ पीछे से इसका एंट्री होता है और ये लेक है पीछे, इसमें बोटिंग। ये है हमारा टिप टॉप पॉइंट। मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिव्यू देता हूँ कैसा है। वो पीछे देख रहे हैं आप, पूरा जो व्यू दिख रहा है पीछे। अच्छा, इसको देखने के लिए आपको कहाँ जाना, वो पीछे ये जो रोड जा रहा है ना, ये मेरे पीछे से ये सीधा तकरीबन 100 मीटर के आसपास आप जाएंगे तो आगे टिप एंड टॉप पॉइंट है। Thank you.
ट्रिप में हम लोग हमारी जो लास्ट डेस्टिनेशन थी ताड़केश्वर टेम्पल, वहाँ हम लोग पहुँच गए. आप देखेंगे ये मेरे पीछे है, यहाँ से इसकी एंट्रेंस है और ये पीछे से हम लोग आते हैं. यहाँ पे आपको सहूलियत मिलेगी, किसकी मैगी खाने को मिल जाएगी, चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ से पीछे से प्रसाद मिल जाएगा और फिर उसके बाद स्टार्ट होगी जर्नी. ये पीछे यहाँ से एंटर करेंगे.